हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एग्रीपीडिया। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कॉटन कल्टीवेशन से रिलेटेड जो भी वन लाइनर क्वेश्चन हमारे एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में कॉमनली आया करते हैं, जनरली आया करते हैं, वो हम देखने जा रहे हैं। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कॉटन के हम बोटेनिकल नेम से स्टार्ट करें तो कॉटन का बोटेनिकल नेम गॉसिपियम स्पीसीज होता है। इसकी कई स्पीसीज हैं, डेट्स वाई इसका बोटेनिकल नेम गॉसिपियम स्पीसीज जनरली है। आगे हम देखेंगे जो भी इसकी वैरायटीज़ हैं उनके बेसिस पे इनकी जो स्पेसीज नेम होगा वो भी चेंज होगा। देन फैमिली इसकी मलवेसी होती है। ओरिजिन प्लेस कॉटन का इंडिया है। देन गॉसिपियम अर्बोरियम एंड गॉसिपियम हर्बेशियम आर विच टाइप ऑफ कॉटन, सो ये देसी कॉटन है हमारी। क्रोमोसोम नंबर ऑफ गॉसिपियम अर्बोरियम एंड गॉसिपियम हर्बेशियम इज़ 2n = 26। देन सिक्स क्वेश्चन, गॉसिपियम बारबेडेंस इज ऑल्सो नैन एस, तो गॉसिपियम बारबेडेंस को सी आइलैंड कॉटन के नेम से भी जाना जाता है। देन सेवन्थ क्वेश्चन, गॉसिपियम हिरसेटम एंड गॉसिपियम बारबेडेंस का जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो कितना होता है, तो गॉसिपियम हिरसेटम एंड गॉसिपियम बारबेडेंस का क्रोमोसोम नंबर 2n = 52 होता है। देन अमेरिकन कॉटन कौन सी स्पीसीज हमारी अमेरिकन कॉटन है, तो गॉसिपियम हिरसेटम जो हमारी स्पीसीज हैं कॉटन स्पीसीज वो हमारी अमेरिकन कॉटन के नेम से जानी जाती है जो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, हाईएस्ट फाइबर लेंथ किस में होती है, किस स्पीसीज में, तो वो हमारी गॉसिपियम बारबेडेंस में होती है। देन कॉटन इज ऑल्सो नोन एज वाइट गोल्ड और किंग ऑफ अप्रेजल फाइबर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्टिवेटेड कॉटन इज विच टाइप ऑफ कॉटन, सो ये एनुअली कल्टिवेट की जाती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, कलर ऑफ देसी कॉटन का कलर क्या होता है, सो डल और ब्राउन कलर की होती हैं। देन अमेरिकन कॉटन फाइबर हैज़ कलर, अमेरिकन कॉटन फाइबर का कलर किस कलर का होता है, तो वो क्रीमी वाइट होती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच क्रॉप इज ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड डीप रूटेड टैप रूट सिस्टम, सो वो क्रॉप हमारी कॉटन है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑयल कंटेंट इन कॉटन सीड वेरीज फ्रॉम, सो 14.5% टू 25.6% इसका आंसर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉटन सीड कंटेंट प्रोटीन, हाउ मच परसेंट प्रोटीन, देन 20%, लिंट परसेंट कॉटन में 33%। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉक्सिक पिगमेंट फिनॉल कंपाउंड प्रेजेंट इन कॉटन सीड इज गॉसिपॉल। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉन्ग आउटग्रोथ फॉर्म्स स्टेपल और लिंट के नाम से जाना जाता है। देन द शॉर्टर आउटग्रोथ फॉर्म्स, जो शॉर्टर आउटग्रोथ फॉर्म होती है वो किसकी वजह से, तो इट इज़ नोन एज फज। देन वेट ऑफ वन बेल ऑफ कॉटन इज 170 kg। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉटन इज हाईली इंसेंसिटिव टू, सो इट इज़ कॉटन इज हाईली इंसेंसिटिव टू 2,4-D एंड ग्लाइफोसेट। कॉमन वीडिसाइड यूज्ड इन कॉटन इज डायोरॉन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ 2,4-D रेजिस्टेंट कॉटन जीन, सो जीन विच इज़ 2,4-D रेजिस्टेंट टू कॉटन इज जीन TFD4। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द अपेयरेंस ऑफ फ्लावर बर्ड इन कॉटन इज नोन एज स्क्वायर, सो स्क्वायर इज द अपेयरेंस ऑफ फ्लावर बर्ड इन कॉटन। देन द सेपरेशन ऑफ फाइबर फ्रॉम द सीड कॉटन इज नोन एज गिनिंग, गिनिंग इज द सेपरेशन ऑफ फाइबर फ्रॉम द सीड कॉटन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जनरल गिनिंग रेंजेस 30-35% या जनरली 33%। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, सीड आफ्टर रिमूविंग लिंट, लिंट को हटा दें तो हम सीड को क्या कहेंगे कॉटन के, तो इट इज़ नोन एज कॉटन सीड। देन सीड प्लस लिंट दोनों को कंबाइन क्या कहेंगे, तो सो इट इज़ सीड कॉटन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेस्ट सॉइल फॉर कॉटन कल्टिवेशन इज ब्लैक सॉइल, सो ब्लैक सॉइल इज़ द बेस्ट सॉइल फॉर कॉटन कल्टिवेशन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइबर लेंथ एंड फाइबर फाइननेस आर कॉटन्स जेनेटिक ट्रेट, ये हमारी जेनेटिक ट्रेट्स होती हैं फाइबर लेंथ और फाइबर फाइननेस कॉटन की। देन फाइबर मैच्योरिटी मेजर्ड बाई, फाइबर मैच्योर हुआ कि नहीं वो किससे हम मेज़र करते हैं, सो द डिवाइस नेम एरेलोमीटर, एक डिवाइस होती है उससे हम मेज़र करते हैं फाइबर मैच्योरिटी को। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइबर थिकनेस इज मेजर्ड बाई नेपिनेस, उसकी नेपिनेस से हम फाइबर की थिकनेस मेज़र करेंगे। देन स्पिनिंग परफॉर्मेंस मेजर्ड बाई, स्पिनिंग की जो परफॉर्मेंस होती है वो हमारी कैसे मेज़र की जाती है, तो वो नंबर ऑफ काउंट्स के बेसिस पे मेज़र की जाती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेपल लेंथ एंड फाइबर लेंथ ऑफ कॉटन इज मेजर्ड बाई हेलो मेजरमेंट मेथड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेंथ इज मेजर्ड बाई, स्ट्रेंथ कैसे मेज़र की जाती है, सो प्रेस्ली
स्ट्रेंथ टेस्टर और स्टेलोमीटर के थ्रू कॉटन की जो फाइबर की स्ट्रेंथ होती है वो मेज़र की जाती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन 37, डिग्री ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सेल्युलोस इन फाइबर ऑफ थिकनिंग ऑफ इट्स सेल वॉल इज नोन एज मैच्योरिटी। द नेक्स्ट, रीडिंग फाइबर विथ 18% कॉस्टिक सोडा एंड एग्जामिन अंडर माइक्रोस्कोप, इससे क्या होता है, ये टेस्ट क्यों किया जाता है? सो इट इज़ फॉर मैच्योरिटी टेस्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्ट फाइबर रिमेन अटैच टू सीड आफ्टर गिनिंग इज नोन एज स्टिंटर। द नेक्स्ट, इन फाइव इफ फाइबर एवरेज वेट इज़ बिलो 3 माइक्रोग्राम देन इट इज़ वेरी फाइन फाइबर, अगर फाइबर का एवरेज वेट 3 माइक्रोग्राम से कम है तो वो हमारा वेरी फाइन फाइबर होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइबर इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग व्हेन ब्रेकिंग पॉइंट इज मोर देन 95 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर, इसका आंसर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट जो है वो 100:20:15 kg पर हेक्टेयर का रेट इसमें रखा जाता है, नाइट्रोजन इज टू फॉस्फोरस इज टू जिंक। वाटर रिक्वायरमेंट 50-65 cm। नंबर ऑफ काउंट्स ऑफ इंडियन कॉटन 22 counts। देन नेक्स्ट, नंबर ऑफ काउंट्स रिक्वायर्ड फॉर बेस्ट क्वालिटी कॉटन, द आंसर इज 80-400 counts। द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ एन इलोंगेशन और आउटग्रोथ ऑफ एन एपिडर्मल सेल ऑफ सीड कॉट, सो कॉटन फाइबर। नंबर ऑफ फाइबर्स इन वन सीड, सो आंसर इज 60,000-80,000 fibers। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, जेनेटिक ट्रेट्स ऑफ कॉटन फॉर फाइबर क्वालिटी, फाइबर लेंथ एंड फाइबर फाइननेस आर द जेनेटिक ट्रेट्स ऑफ कॉटन फॉर फाइबर क्वालिटी। द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी कॉटन स्पीसीज आर कल्टिवेटेड आउट ऑफ 20 species, ओनली 4 कॉटन स्पीसीज आर कल्टिवेटेड आउट ऑफ 20 species ऑफ कॉटन विच आर नोन, विच इज़ द ओनली कंट्री इन वर्ल्ड वेयर ऑल 4 species ऑफ कॉटन आर ग्रोन ऑन कॉमर्शियल स्केल बिसाइड्स हाइब्रिड। So, in India is only the country where all the 4 species of cotton are grown in commercial scale. Hybrid area of cotton is 40%. Gossypium hirsutum area in India, ये जितने भी area हैं वो हमारे India के basis पे हैं। So, hybrid area India में 40% है, cotton hybrid जो है grow की जाती है। Gossypium हिस्टम एरिया 36% है, गॉसिपियम अर्बोरियम एरिया 16% है, गॉसिपियम हर्बेशियम एरिया 8% है। देन नेक्स्ट है गॉसिपियम बारबेडेंस एरिया 0.2%। शॉर्ट स्टेपल लेंथ जो हमारी होती है वो 19.5 mm से कम होती है, मीडियम स्टेपल लेंथ हमारी 20-21.5 mm के बीच में होती है, देन सुपीरियर मीडियम लेंथ जो हमारी 22-24.5 mm के बीच में होती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉन्ग स्टेपल लेंथ जो हमारी 24.5-26.5 mm होती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, जो सुपीरियर लेंथ होती है कॉटन के फाइबर की स्टेपल की वो होती है 27 mm से ज़्यादा। देन वेराइटीज़ की बात कर लें कॉटन में, सो गॉसिपियम अर्बोरियम की वेराइटी हैं लोहित और वेरनार, गॉसिपियम हर्बेशियम की वेराइटीज़ हैं दिग्विजय और संजय, गॉसिपियम हिरसटम की वेराइटीज़ हैं गंगाधर अगेती एंड बिकानेरी निर्मा, देन गॉसिपियम बारबेडेंस की वेराइटीज़ हैं सुविन एंड सुजाता। देन नेक्स्ट वन लाइनर आर, नेक्स्ट क्वेश्चन आर, विच इज़ द फर्स्ट स्पिनिंग वेराइटी ऑफ इजिप्टियन कॉटन रिलीज इन इंडिया, सो डेट वेराइटी वॉज सुजाता। इंट्रा स्पेसिफिक हाइब्रिड ऑफ हिरसटम कौन कौन सी वेराइटीज़ हैं, सो वो सविता और सूर्य हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द फर्स्ट इंट्रा स्पेसिफिक हाइब्रिड वेराइटी वॉज इंट्रोड्यूस्ड, सो वो H4 वेराइटी है जो कि फर्स्ट इंट्रा स्पेसिफिक हाइब्रिड वेराइटी थी। देन H4 किसका किसका क्रॉस है, सो H4 इज़ द क्रॉस ऑफ G67 क्रॉसेज विद द अमेरिकन नेक्टरलेस। देन H4 जो फर्स्ट हाइब्रिड कॉटन डेवलप किया गया था वर्ल्ड में वो किसके द्वारा डेवलप किया गया था, सो That was developed by Dr. C.T. Patel in 1970. Then which is the best interests of the hybrid between Gossypium hirsutum and Gossypium barbadans released from U.S. Dharwad? So, Varl Lakshmi is the best interspecific hybrid between the Gossypium hirsutum and Gossypium barbadans. Then next question, which commercial cultivar was the first time in the world introduced in 1996 and introduced in India 2002? So the first commercial cultivar of cotton जो कि world में
इंट्रोड्यूस किया गया था 1996 में, और इंडिया में 2002 में इंट्रोड्यूस किया गया था, वो हमारा था बीटी कॉटन। तो बीटी कॉटन इज़ इफ़ेक्टिव अगेंस्ट, बीटी कॉटन किसके लिए इफ़ेक्टिव है? सो वो बॉल वॉर्म और पेस्ट कॉम्प्लेक्स ऑफ कॉटन के लिए इफ़ेक्टिव है। देन द फादर ऑफ हाइब्रिड कॉटन, हाइब्रिड कॉटन को फादर किसे जाना जाता है? सो वो हैं हमारे डॉक्टर सी टी पटेल, जिन्होंने H4 सबसे पहले वैरायटी दी थी, जो कि इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड वैरायटी थी। देन बीटी कॉटन इन इंडिया इज़ गिवन बाई, बीटी कॉटन को इंडिया में किसने इंट्रोड्यूस कराया और वो फादर ऑफ बीटी कॉटन के नेम से जाने जाते हैं इंडिया में? सो वो थे हमारे सी डी मई। देन कॉटन सीड रेट देख लें, सो देसी कॉटन का सीड रेट हमारा होता है 10 to 18 kg, अमेरिकन कॉटन सीड रेट होता है 15 to 25 kg रिक्वायर्ड। ये सब हेक्टेयर के बेसिस पे हैं। सो देसी कॉटन 10 to 18 kg पर हेक्टेयर, अमेरिकन कॉटन सीड रेट इज़ 15 to 25 kg पर हेक्टेयर, देन हाइब्रिड कॉटन सीड रेट इज़ 2 to 3 kg पर हेक्टेयर, देन बीटी कॉटन सीड रेट इज़ 1 to 1.5 kg पर हेक्टेयर। देन नेक्स्ट हमारे क्वेश्चंस हैं, प्लांट पॉपुलेशन पर हेक्टेयर फॉर बीटी कॉटन कितने होनी चाहिए? सो वो 10,000 होनी चाहिए। ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन पर हेक्टेयर जो होती है किसी भी कॉटन वैरायटी की, वो 50,000 से 80,000 रखनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं प्लांट पॉपुलेशन होती पर हेक्टेयर में। देन डैश डन विथ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इन अ रेशियो ऑफ एसिड टू कॉटन सीड अबाउट 1:10। सो द प्रो सो डैट प्रोसेस नोन एज डीलिंटिंग और डिफसिंग। डैश हेल्प्स इन ग्रेडिंग द सीड, किल हाइबरनेटिंग इंसेक्ट स्टेजेस, डिस्ट्रॉय द डिजीज पैथोजेंस एंड मेक इट इजी टू सोइंग एंड जर्मिनेट्स रैपिडली। सो डीलिंटिंग या डिफसिंग इसका भी आंसर होगा। देन वेजिटेटिव ब्रांचेस कॉटन में किस नेम से जानी जाती है? वेजिटेटिव ब्रांचेस ऑफ कॉटन आर नोन एज मोनोपोडियल, वो मोनोपोडियल होती हैं, और जो रिप्रोडक्टिव ब्रांचेस ऑफ कॉटन होती हैं वो हमारे सिम्पोडियल ब्रांचेस होती हैं। देन नेक्स्ट इज नॉर्थ इंडिया सोइंग टाइम, नॉर्थ इंडिया में कॉटन का सोइंग टाइम क्या है? तो वो फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ मे, मीन्स जो स्टार्टिंग के 15 days होते हैं मे में, उसमें हमें सोइंग कर देनी चाहिए। देन सेंट्रल इंडिया सोइंग टाइम ऑफ कॉटन इज़ लास्ट वीक ऑफ जून टू फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। इन तमिलनाडु, तमिलनाडु में शोइंग टाइम हमारा सितंबर से अक्टूबर रखा जाता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ अल्ट्रा नैरो रो वॉज डेवलप्ड इन, ये जो कॉन्सेप्ट हमारा अल्ट्रा नैरो रो कॉटन कल्टिवेशन का था, वो हमारा कहाँ डेवलप हुआ था? तो वो डेट इज़ USA इन UNR, मीन्स अल्ट्रा नैरो रो, द रो टू रो एंड प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग केप्ट इज 19 into 19 cm, रो टू रो 19 एंड प्लांट टू प्लांट 19 cm स्पेसिंग रखी जाती है। देन नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन, प्लांट पॉपुलेशन पर हेक्टेयर इन अल्ट्रा नैरो रो, इसमें प्लांट पॉपुलेशन कितनी होती है? तो वो हमारी 2,77,000 प्लांट पॉपुलेशन होती है पर हेक्टेयर इन अल्ट्रा नैरो रो। रिमूवल ऑफ टर्मिनल पॉइंट वंस आफ्टर ईच प्लांट एट हाइट ऑफ 1 to 1.2 meter, डेट इज 80 to 90 days आफ्टर सोइंग टू प्रोटेक्ट फर्दर टर्मिनल ग्रोथ एंड टू इनक्रीज सिम्पोडियल ब्रांचेस, सिम्पोडियल ब्रांचेस की ग्रोथ कराने के लिए। और फिर से पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। तो रिमूवल ऑफ टर्मिनल ग्रोइंग पॉइंट वंस फ्रॉम ईच प्लांट एट हाइट ऑफ, जो भी टर्मिनल ग्रोइंग पॉइंट्स हैं हम रिमूव करेंगे उसको एट द हाइट ऑफ 1 to 1.2 meter, मीन्स 80 to 90 days आफ्टर सोइंग जो रिमूवल होती है ब्रांच की टॉप की, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? तो उस प्रोसेस को टॉपिंग कहा जाता है। और टॉपिंग से हमारा बेनिफिट ये है कि जो सिम्पोडियल ब्रांचेस हमारी, जो वेजिटेटिव ब्रांचेस हैं वो हमारी, वेजिटेटिव नहीं सॉरी रिप्रोडक्टिव ब्रांचेस जो हमारी हैं वो उससे उनका ग्रोथ हो और कॉटन में बेस्ट प्रोडक्शन दे सके कॉटन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिंगर लीव डिजीज़ इज कॉज्ड बाई, जो कॉटन में फिंगर लीव डिजीज़ होती है वो किसके कारण होती है? तो वो होती है 2,4-D की वजह से। देन नेक्स्ट इज द एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल वेराइटी, एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल वेराइटी ऑफ कॉटन इज MCU5। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज लीफ, लिटिल लीफ इन कॉटन इज ड्यू टू, जो कॉटन में लिटिल लीफ होती है वो किसकी वजह से होती है? सो इट इज़ ड्यू टू जिंक डिफिशियंसी। देन नेक्स्ट इज क्रिंकल लीफ ऑफ कॉटन इज ड्यू टू, जो क्रिंकल लीफ होती है कॉटन में वो किसकी वजह से होती है? सो वो होती है मैंगनीज टॉक्सिसिटी की वजह से। देन नेक्स्ट इज मोर सक्सेप्टेबल फॉर रेड लीफ टर्न रेड रेड एंड रोल्ड डाउनवर्ड। सो अमेरिकन कॉटन जो हमारा होता है वो रेड लीव्स शो कर देता है, वो बहुत सक्सेप्टेबल होता है, बहुत ही नाजुक होता है, एंड टर्न रेड एंड रोल डाउनवर्ड।
देन नेक्स्ट इज थिनिंग शुड बी डन इन कॉटन एट. थिनिंग जो हमारी है उसमें मीन्स जो साइड ब्रांचेस हम कट करते हैं वो मिनिमम कितने डेज के बाद करनी चाहिए, तो डेट इज़ 15 डे. 15 डे पे हमें थिनिंग करनी चाहिए. देन निपिंग शुड बी डन इन कॉटन एट मीन्स जो हम उसकी कॉटन से जो हम ऑब्टेन करते हैं वो हमें कितने डेज आफ्टर शोइंग करना चाहिए, तो वो 80 to 90 days आफ्टर शोइंग करनी चाहिए, हमें निपिंग करनी चाहिए. देन मैक्सिमम सीड कॉटन यील्ड हैज़ बिन रिकॉर्डेड इन. सो सबसे ज़्यादा जो हमारा कॉटन सीड यील्ड है, सीड कॉटन यील्ड है हमारा, वो किस टाइप की सॉइल से हमें मिलता है, तो वो रिकॉर्ड किया गया है डीप सॉइल्स में सबसे ज़्यादा. देन द लास्ट क्वेश्चन इज ऑप्टिमम पीएच, कॉटन के लिए कितना ऑप्टिमम पीएच रिक्वायर्ड होता है. सो डैट इज़ 5.5 to 8. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने कॉटन के टॉप 100 वन लाइनर देखें. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.